नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वाद से सिरदर्द। दोस्तों, समोसे से तो हम सभी परिचित हैं। ये हमारे देश का राष्ट्रीय नाश्ता है। गली मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े होटलों में आसानी से मिल जाता है। समोसा एक ऐसा नाश्ता है जो हम सबकी पहली पसंद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम हलवाई स्टाइल समोसे घर में बनाएंगे। पहले इसकी सामग्री देख लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू, आधी कटोरी मटर। यहाँ मैंने फ्रोजन मटर ली है, आप चाहें तो फ्रेश मटर ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उसे हल्का सा बॉयल कर लीजिएगा। 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 कप मैदा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच साबुत धनिया। दोस्तों, समोसे में साबुत धनिया से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसे आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और तलने के लिए तेल। पहले हम समोसे के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें मैदे को डाल देंगे, फिर उसमें अजवाइन और नमक डाल देंगे और आटे में अच्छे से मिला देंगे। अब 3 बड़े चम्मच तेल को आटे में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोयन को चेक करने के लिए आटे को मुट्ठी में लेकर बांधेंगे। अगर आटा बंध रहा है इसका मतलब मोयन ठीक है। यहाँ आटा बंध रहा है मतलब मोयन परफेक्ट है। अब आटे को गूंथने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी को आटे में डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। आटे को थोड़ा टाइट ही गूंथेंगे। यहाँ हमने आटा गूंथ लिया है, अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए समोसे के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन को गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। पैन में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब उसमें साबुत धनिया को डाल देंगे। देखिए दोस्तों, धनिया तड़कने लगा है। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च और मटर के दानों को डाल देंगे और चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो से मीडियम के बीच ही रखेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और आलूओं को डाल देंगे। दोस्तों, आलू को हाथ से तोड़कर डालिएगा। समोसे में आलूओं को हाथों से तोड़कर डालने से समोसों का टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आलूओं को हम काट कर डालेंगे तो उतना टेस्ट नहीं आता है जितना हाथों से तोड़कर डालने से आता है। सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें नमक और हरा धनिया डाल देंगे। सभी सामग्री को अच्छे से आलू के साथ में मिक्स कर देंगे। समोसे का मसाला तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब कढ़ाई में तलने के लिए तेल डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे और गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को प्लेटफॉर्म पर रखकर थोड़ा सा हाथों से मसलेंगे। अब आटे की लोइयां बना लेंगे। यहाँ एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच मैदा और पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लेंगे। ये समोसे को चिपकाने के काम आएगा। अभी इसे साइड में रख देते हैं। चलिए अब लोई को बेलकर बड़ा कर लेंगे। यहाँ हमने लोई की 1 बड़ी रोटी बेल ली है। अब रोटी को बीच से काटकर 2 टुकड़े कर लेंगे। पहले एक टुकड़े पर काम करेंगे। एक टुकड़े को हाथों में लेंगे। अब अंगूठे को कटे हुए साइड से सेंटर में रखेंगे और कटे हुए कोने का एक भाग लेकर उसे मोड़ देंगे। उसके ऊपर हमने जो मैदे का घोल बनाया था उसे लगा देंगे।
अब रोटी का दूसरा कोना पकड़कर उसे मोड़कर चिपका देंगे, यानी हमें रोटी को तिकोना आकार देना है। यह है समोसे का कवर। अब इसके अंदर आलू वाले मसाले को भर देंगे। आप चाहे तो इस मसाले के अंदर पनीर, काजू या मूंगफली को भी मिला सकते हैं। देखिए मसाले को हमने भर दिया है। अब इसके ऊपर वाली साइड पर भी घोल लगाकर उसे बंद कर देंगे। एक समोसा बन गया है। इसी तरीके से दूसरे टुकड़े को भी पहले तिकोना बनाएंगे, फिर उसमें मसाला भरेंगे, फिर ऊपर से बंद कर देंगे। इसे मार्केट वाला लुक देने के लिए इसकी साइड को हल्का सा मोड़ देंगे। अब तेल हल्का गर्म हो गया है, इसमें समोसे को तलने के लिए डाल देंगे। पहले फ्लेम को लो पर रखेंगे ताकि समोसे अंदर से पक जाएं। समोसे को पलट पलट कर पकाएंगे। समोसे को तेल से बाहर निकालने से पहले कुछ सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर तलेंगे। इससे समोसे के बाहर बढ़िया कलर आ जाएगा। देखिए यहाँ समोसे में बढ़िया सा कलर आ गया है और समोसे अंदर से भी पक गए हैं। अब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सभी समोसों को बनाकर तल लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब समोसे की प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ इसे मैं हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी समोसे बनकर तैयार हुए हैं, एकदम करारे करारे। तो देखा दोस्तों, हमने घर पर ही बिना किसी परेशानी के एकदम हलवाई जैसे समोसे बना लिए हैं। अब इस समोसे को आप गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कीजिए। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में एक घंटी बनी हुई है उसे दबा दीजिएगा। इससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।